अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी मैं आपको दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फ्रेश ट्रेडिंग। अच्छा आज की डेट 1 मार्च 2023, ठीक है। आज मंथली ओपनिंग है और आज की जो तीसरा मंथ शुरू हो चुका है, ठीक है 2023। और आज हम देखते हैं कि मार्केट में क्या पोजिशन चल रही है, ठीक है। गोल्ड पर ज़्यादातर बात करेंगे, इसके अलावा गोल्ड के अलावा US आयल भी देख लें, और इसके अलावा अगर की पेयर है BTC, ठीक है। एक नज़र मैं वैसे ही देख रहा था। अच्छा मेन हम गोल्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो मेन हमने गोल्ड की ट्रेडिंग करते हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करने कि नेक्स्ट मंथ से ना हम ये वाला मंथ या कुछ दिन के बाद इंशाल्लाह कुछ कोशिश करेंगे लाइव आया करेंगे, लाइव भी ट्रेड इंशाल्लाह नेक्स्ट अब करीब अन करीब शुरू करनी है हमने, ठीक है। तो ये है गोल्ड की बात, और गोल्ड आपके सामने है। मैं कल भी आप लोगों को बाय का कहा था। ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग साइन बनाया था। ये मार्केट ने डिप लिया और मार्केट ने यहाँ पे इशारा दे दिया था बाइंग का। ये फिर ऊपर क्लोजिंग हुई ना, डिप लेके क्लोजिंग नीचे देती फिर तो चलो हम मान लेते सेलिंग है, और हमने पहले सिग्नल दिया हुआ था 4 से बाइंग का, ठीक है। और आप जी के सामने ये मार्केट और सेलिंग से मैं अवॉइड ही करा रहा था, सेलिंग नहीं करवाई। ये भी कल जिन्होंने 30 से और 26 से सेलिंग की, मार्केट ने 23 लगा के निकाल दिया 22, ठीक है। 23 निकाला और आप भी आपके सामने 1834 चला गया गोल्ड। सेलिंग से अवॉइड किया करें, अभी अवॉइड मतलब ये है कि कंडीशन नहीं है, अभी वो सूरत हाल नहीं है कि आप लोग यहाँ से सेल करें। अभी ये देखें मार्केट ने 30 भी ब्रेक कर दिया, 32 भी ऊपर चल रही है, ठीक है। तो सेलिंग अगर करनी है ना तो मैं आप लोगों को लेवल बता देता हूँ। ये लेवल है जी 1845 का, ठीक है। जिसने भी करनी है, 1834 चल रही है, 1845 से सेल बनती है। कहाँ से लिख के बता रहा हूँ, 1845 से यहाँ से सेल बनती है 1852-53-55 SL के साथ, ठीक है। और इसकी रेजिस्टेंस भी यही है 38 है, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं काम करेगी जितना 44-45 करेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर की बात करें इसकी मज़ीद और की ऐसे इसकी डेली कैंडल अगर आप देखें, डेली पैटर्न देखें, तो डेली में भी ये बाइंग है देखें, और ये अच्छा खासा बुलिश बना रहा है। ये 1890 तक पहुँच सकता है, गोल्ड है 1800 के करीब करीब लगा के ये जा रहा है, और जब रिवर्स करेगा तो 1890 तक भी पहुँच सकता है, लेकिन वो दूर की बात है, हम करीब करीब ही रहना है। हमें आज की वीडियो आज के लिए बनानी है, 1845 मिले सेल करें, 1852 मिले सेल। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, H4 टाइम फ्रेम ओपन करके। ये H4 है इसका। अब आप लोग ये देख लें कि रेजिस्टेंस सुन लें 1800, वैसे तो 38 भी रेजिस्टेंस है, लेकिन सेलिंग के लिए हमने इंटर होना है 1845 से, 1845 के बाद 1852 के बाद 1858। ये ट्रेडिंग से रेजिस्टेंस हैं ये, ठीक है। ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट सुन लें 1824, ये सपोर्ट है, ठीक है। 1824 सपोर्ट है, 1818 सपोर्ट है, और 1812 भी सपोर्ट है। ये सपोर्ट है, यहाँ से बाइंग कर रहे हैं आप लोग। 24 से फिर सेलिंग की कैंडल बन जाएगी तो एहतियात करना है, लेकिन ये बाइंग बेस्ट है। 1818 सुपर बाइंग है ये। 24 थोड़ी रिस्की हो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो सेलिंग भी आप लोगों को बताइए 45 से सेल, ठीक है। तो कोई बात ना समझे तो आप लोग लाजमी मुझसे पूछ लेना है। फिलहाल डेली स्ट्रेटजी भी बाय में है, और H4 भी बाइंग के ऊपर है, ऊपर क्लोजिंग हो गई है। 32-34 भी लगा दिया आपके सामने, 34 चल रहा है मार्केट का। अगर इसके अलावा मजीद चेंजिंग हुई तो मैं आप लोगों को लाजमी बताऊँगा, ठीक है। कोई बात ना समझे तो कमेंट कर लेकर। नेक्स्ट कोई और पेयर भी देख लेते हैं, एक दा पेयर अगर डॉलर की देख लेते हैं, DXY। ये डॉलर है, डॉलर भी देख लें। इसने भी एक अपना जो टारगेट था 105 वाला वो लगाया है। ये देखिए 105, तो अब वहाँ से इसने रिट्रेसमेंट दी है। ये सेल है, मजीद ये यहाँ तक आ सकता है, 1804-4 तक ये आ सकता है। तो गोल्ड फिर ऊपर, मजीद अब हम आयल को देख लेते हैं। ये रहा US आयल, ये US आयल है, ये देखें ये अपने वही लेवल है। अब इसने ये जो है ना ये एक लेवल भी ब्रेक कर दिया 77, और यहाँ से बाइंग ही बनती है। जब ये लेवल ब्रेक हो जाते हैं ना, इसके ऊपर बाय, अगर ये इसके ऊपर ही रहते तो बाय, और टारगेट वही 82। टारगेट कौन सा? 82, यहाँ से फिर यही टारगेट।
ठीक है, ये 70 से 82 500 पिप की ट्रेड बनती है ये। इसके नीचे यहाँ पे एसएल बन जाएगा और टीपी यही बनेगा, एसएल 100 पिप का बन जाएगा बस, और टीपी आपका 500 पिप का बन जाएगा। तो ये आज के नेक्स्ट वीडियो में, तब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हाफिज़।